गवर्नमेंट कह रही है कि हम सोसाइटीज को हेल्प करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अभी नया नोटिफिकेशन निकाला है, सेक्शन 79A लाया है, ये महाडा एक्ट 1976। उसमें अब जो प्रॉपर बॉम्बे के अंदर जो सेस्ट बिल्डिंग थी, जो पुरानी बिल्डिंग्स है जिसमें लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्डिंग्स डिलेबिलेटेड हो गई। अब उस पर नोटिस हो गया MMC का, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, सेक्शन 354 के अंदर उनको पावर है कि 30 साल के ऊपर की जो भी बिल्डिंग है उसका इंस्पेक्शन करेंगे और डेंजरस है तो आपको नोटिस दे देंगे कि घर खाली करो और रिडेवलपमेंट करो। तो अभी नया जो आया है वो सबर्बन के लिए नहीं है, वो सेस्ट बिल्डिंग जो टाउन का है उसके लिए। लेकिन बात तो एक ही है कि आपको भी जैसे महाडा की बिल्डिंग्स है उसमें भी महाडा भी आपको नोटिस देता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है। इन सब के अलावा जो फ्री होल्ड लैंड पे सोसाइटी है वो खुद ही अपना ऑडिट करा के भी इस प्रपोजल दे सकती है कि हम जो है रीडेवलपमेंट में जाएंगे। तो रीडेवलपमेंट में जाने के बाद अब फिर तो वही सवाल वहाँ भी उठेगा, सेस बिल्डिंग में क्या है कि पहले तो ऑनर को डेवलप करना है, नोटिस ऑनर को जाएगा, अगर ऑनर नहीं वो कर पाता है डेवलप तो वहाँ टीनेंट्स रह रहे हैं जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी एक प्रपोज सोसाइटी बनेगी, फिर उनको कहा जाएगा कि आप डेवलप करो। अगर वो भी फेल कर गए 6 महीने के अंदर तो महाडा खुद करेगा, तो टैक्स का इशू तो वहाँ भी आएगा, टैक्स का इशू यहाँ भी आएगा। अब रह गया एक सेल्फ डेवलपमेंट, तो इस एरिया में भी सबर्बन में भी हो सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट में मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, टैक्सेशन की जहाँ तक बात है उसमें भी वही है, अगर सोसाइटी के लोग मिलकर तय करते हैं कि हम खुद ही डेवलप करेंगे तो वहाँ पे वो कोई डेवलपर अपॉइंट नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे जो GST होता है उसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस रेसिपिएंट होता है। तो जैसे अगर आप डेवलपर अपॉइंट करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, वो आपको सर्विस दे रहा है और आप सर्विस ले रहे हो, तो वहाँ GST का प्रश्न आता है। अब आप खुद कर रहे हो तो उसमें GST का इतना ही प्रश्न आएगा कि जो सामान आप खरीदेंगे, सीमेंट बालू वगैरह सोसाइटी खुद खरीदेगी, तो वो तो GST पेड आएगा ज़्यादातर, अनलेस कि कोई बहुत छोटे मोटे वेंडर से आप लेते हैं जो GST में रजिस्टर्ड है। अब वो तो 20 लाख का ही उसमें एग्जेम्पशन लिमिट है, तो ज़्यादातर तो कोई भी वेंडर होगा वो GST नंबर होगा, तो उस पर आपको GST लग जाती है। अगर आप कोई इंटीरियर अपॉइंट करेंगे तो इंटीरियर वाला सोसाइटी को बिल करेगा GST लगा कर। फिर अगर आप कोई वर्क्स कंट्रैक्टर अपॉइंट करेंगे कि तू मेरा RCC खड़ा करके दे दे, मटेरियल मेरा रहेगा, तो अपना लेबर चार्ज लगाएगा, प्लम्बिंग वाला लेबर चार्ज लगाएगा, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला भी सामान आप खरीद कर देंगे, फिर सामान पे आपको GST लगा रहेगा, और वो प्लम्बिंग वाला भी आपकी बड़ी सोसाइटी है तो उसका ज़्यादा बिल होगा तो वो भी GST लगा के देगा। तो ये सब GST का जो बर्डन है वो तो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इवन इन सेल्फ डेवलपमेंट। तब आप कहेंगे कि अगर मैंने बॉर्डर ऑब्जर्व के लिए कर लिया, अब वो जो GST का अमाउंट भरा हुआ है उसकी जो क्रेडिट होती है उसका मैं क्या करूँ, आखिर आपको उसका तो उसका कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें से कुछ पोर्शन फ्लैट सेल करें। अगर सारा का सारा मेम्बर्स ने खुद ऑब्जर्व कर लिया कंस्ट्रक्टेड एरिया, तो आपकी ITC क्रेडिट आपको वो आपका कॉस्ट में ही ऑब्जर्व हो जाएगा, क्रेडिट का आपको यूज नहीं कर पाए। तो अगर आपको FSI ज़्यादा मिलती है और आपका कुछ सेलेबल एरिया भी आता है, अभी तक आपका 10 माले की बिल्डिंग थी और 12 माले 14 माले की बन गई और सोसाइटी को ये अधिकार होगा इसे डेवलपमेंट में, अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है तो उसको बेच सकते हैं, तो बेचने के समय जो GST आएगा वो पेमेंट आप इस क्रेडिट से कर पाएंगे जस्ट लाइक एनी टैक्स। बट पूरा एक डेवलपर होगा और वो आपकी तरफ से बना के बेचेगा, फिर वो प्रोस्पेक्टिव जो नए बायर होंगे उनसे फ्लैट वो बेचेगा, वो नहीं होगा, सोसाइटी खुद बेचेगी। अब इसमें लार्जर सवाल कई आते हैं, मैं अभी देख रहा था जो सेक्शन 79A में जब अभी अमेंडमेंट हुआ है, अभी हाल क्या 3-4 महीना पहले ही आया, वो दो साल लगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 साल पहले 2020 में विधानसभा में पास किया, फिर वो हमारा कायदा ऐसा है कि वो यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली में राष्ट्रपति का उस पर एसेंट होने में 2 साल और लगे, तो अभी दिसंबर 22 में वो पारित हुआ है और रिवाइज सेक्शन 79A महाडा, और अप्रैल में शायद नोटिफिकेशन, तो
उसमें ये दिक्कतें आएंगी कि सोसाइटी में फिर लोगों को आपस में कोहेशन होना चाहिए। विद इन द सोसाइटी ऑल्सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि सारे मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उसमें 51% का ये जो नया रिवाइज कानून आया है सिटी के लिए, उसमें 51% मेंबर्स का कंसेंट होगा, तब जाके वो सेल्फ डेवलपमेंट शुरू होगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ सबर्स में भी करने में मुझे लगता है कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अभी काम स्टार्ट हो गया है, कई सोसाइटीज बनी है। तो एक्चुअली तो अगर सेल्फ डेवलपमेंट होता है तो जो अभी हाजदार साहब कह रहे थे कि जो समस्याएं हैं कि ओसी नहीं मिलता है या वो हर फ्लोर का अलग अलग परमिशन के लिए जाना पड़ता है, तो जब सोसाइटी के लोग खुद इन्वॉल्व रहेंगे तो शायद वो फिर खुद ही अधिकारियों के पास जाएंगे, 150 लोग चले जाएंगे, हो सकता है प्रेशर बने, ओसी भी हो सकता है टाइम से मिल जाए। ओसी का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जीएसटी लॉ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें कानूनी लड़ाई बहुत चली। तो कानूनी लड़ाई ये चली कि आखिर अगर टोकन मनी भी जिस दिन आप बिल्डर को देते हैं उस दिन वो टोकन मनी आप किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? एक इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही तो दे रहे हैं, ईंट पत्थर से बना हुआ एक मकान होगा, एक फ्लैट होगा, उसके लिए दे रहे हैं। तो जब इमोवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगती है तो क्यों लगे? तो बाटा इंडिया ने अक्रॉस इंडिया सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हो रहे थे कमर्शियल रेंटिंग पे। बाटा का जैसे बहुत सारा हर मोहल्ले में एक शॉप रहता है तो उनको भी जीएसटी लग रहा था। तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, 2010 में सरकार और सुप्रीम कोर्ट में समझौता हुआ। तो एक लीगल फिक्शन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जब तक ओसी नहीं मिला है बिल्डिंग को तब तक तो वो सर्विस माना जाएगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस। अगर कोई आपके लिए बना के दे रहा है तो उसको सर्विस माना जाएगा, बट जिस दिन ओसी या सीसी मिल गया उस दिन के बाद से वो इमोवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो जो फ्लैट ओसी या सीसी के बाद बिकेंगे, जिसकी इंटायर कंसिडरेशन ओसी सीसी के बाद होगी, उसमें कोई जीएसटी नहीं है। तो अभी जैसे बात कर रहे थे कि ये जो 5% अभी है जीएसटी, तो वो 5% भी अगर सीसी के बाद वाले जो है उसमें नहीं लगे, और उसमें कई तरह की कानूनी अड़चने हैं। जैसे उसमें है, जैसे अभी उन्होंने साहब ने बात की कि 100 फ्लैट और 80 और 20, रमेश प्रभु जी ने कहा कि वो 20 फ्लैट बिल्डर अपने लिए रखता है और बाद में बेचता है। एक्चुअली इस पर मेरा एक प्रेजेंटेशन है, जनरली मैंने बहुत सारे बिल्डरों से बात की है, हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी बेच ले, इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई उसको इन्वेंट्री रखना नहीं चाहता। होता क्या है कि उतने यूनिट बिक नहीं पाते, तो जो यूनिट बिक नहीं पाए वो ओसी आ जाने के बाद वो जीएसटी फ्री हो जाते हैं। अब उसमें फिर जो कानूनी व्यवस्था है उसमें उसको फिर जो क्रेडिट लिया हुआ है बिल्डर ने उसको डिपार्टमेंट रिवर्स करने के लिए बोलता है कि जितना यूनिट नहीं बिका उतना यूनिट तुम्हारा एग्जम्प्ट सप्लाई हो गया। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि वो कानून की जो भाषा है वो कह रहा है विच द बिल्डर हैज ये डेवलपर हैज ईयर मार्क फॉर सेल आफ्टर ओसी। और कोई भी बिल्डर ये नहीं बोलता है कि मैंने 100 फ्लैट में 20 कौन कौन से फ्लैट रखे हैं कि मैं उसी के बाद में दूंगा। एक्चुअली तो चाहता है वो जितना जल्दी बिक जाए मेरा, पैसे मेरे आ जाए, मैं बनाऊँ, छोटा हो जाऊँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में चला। तो उस हिसाब से अब उसको ITC अगर डिपार्टमेंट रिवर्स करने के लिए कहता है जो क्रेडिट है, तो वो कॉस्ट फिर वो आपके ऊपर डालता है। वो चाहता है कि जो है वो मैं, और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि उसको मालूम भी है कि ये फ्लैट के बदले फ्लैट वो दे रहा है तो इस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। फिर भी डेवलपर कहता है कि मैं आपसे, आप मुझे जीएसटी दे दो क्योंकि कल को डिपार्टमेंट उठ के खड़ा हो जाएगा तो मैं क्या। तो ये जो क्लैरिटी हमारे कानून में रहते हुए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जैसा मैंने बताया कि सर्विस टैक्स में कायदा आ चुका था ट्रिब्यूनल का और कोर्ट्स का कि ये जो बिल्डर ने चार्ज किया, जिसका उसने बिल रेज किया, ग्रॉस अमाउंट चार्ज पे ही लगेगा। जो आज भी वो 80 में अगर 40 फ्लैट ओरिजिनल मेंबर्स के हैं तो उसकी तो कोई बिल रेज करता नहीं, उसका कोई उसके अकाउंट में कोई कंसिडरेशन, कोई पेमेंट आता नहीं। तो इट इज़ ए ट्रांजेक्शन इन इमोवेबल प्रॉपर्टी।
बट इस लाइन पे सरकार के पास कोई मतलब कहने वाला होना चाहिए, या जो चारों एसोसिएशन है हाउसिंग का, वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो इस लाइन पे हो और सरकार मतलब मान जाए, या जो कम से कम सर्विस टैक्स के दौरान के जो डिसीजन है उसी को इम्प्लीमेंट करे। इवन अभी जीएसटी में भी अल्टीमेटली ये डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट से, और अल्टीमेटली कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगा कि जो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हुआ उस पर कोई जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का कंसेप्ट ही है शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। सो रिलीफ तो आज न कल मिलना है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो पहले के डिसीजंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट खुद उसको लिटिगेशन में जाती है। तो बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे अगर ये प्रेशर आता है गवर्नमेंट पे कि कम से कम जो कोर्ट का चलेगी तो बात मानिए, अभी जैसे वो 100 रुपीज़ का हो गया जीएसआर कर दिया तो सॉल्व हो गया, लेकिन उस केस में गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं की कि सर्विस टैक्स में ऐसा डिसीजन था तो आप, उल्टा उन्होंने क्या कर दिया कि नए नोटिफिकेशन ले आए 2019 में और उसमें TDR का सप्लाई उसको भी टैक्सेबल कर दिया, और उसमें अभी जो बता रहे थे कि ये व्यवस्था की कि जो पहला फ्लैट बिका है कमर्शियल उसकी जो वैल्यू होगी उस हिसाब से फ्री फ्लैट्स जो मतलब आपके फ्लैट हैं मेंबर्स के उस पर भी लगेगा। तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा व्यवस्था की गई है, इसको चैलेंज होगा। अभी तक क्या हुआ है कि 2 ही 3 साल से जीएसटी के ऊपर काम शुरू हुआ है, ऑडिट वगैरह ये सब, तो अल्टीमेटली जब सुपर नोटिस इशू होंगे और एडजुडिकेशन होगा तो ट्रिब्यूनल, अभी तो ट्रिब्यूनल नहीं बना जीएसटी का, लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, वो भी एक दिक्कत है। अल्टीमेटली कोर्ट से तो रिलीफ मिलेगा, रिहेबिलिटेशन पोर्शन पे टेक माई वर्ड्स दैट टूडे और टूमोरो, बट रिलीफ आपको कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से जो रिलीफ मिले उसको कम से कम डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो उसको मान जाए, उसको खिलाफ फिर फर्दर बार बार अपील ना करे, उसके लिए आप ये लड़ाई लड़नी चाहिए। बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज के जो कंसर्न है उसमें